ओए लिखिए भैया, लिखिए न्यूक्लियर साइज। कॉपी डालिए, देखिए उससे पहले हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको जल्दी से, और रिकॉर्डिंग जल्दी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था भैया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है भैया। प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज और उसके ऊपर का उसके पास जो मास होता है वो मैंने आपको मेंशन करा दिया था। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, ठीक है भैया, और मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने बताया था भैया न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या होता है भैया, न्यूक्लियस के पार्ट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कह सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं भैया, एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन रहेंगे वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर रहेगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर से क्यों नहीं मेंशन करता, तो रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, किसी एटम में बदल सकता है लेकिन प्रोटॉन कभी बदल नहीं सकता, इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन की संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है भैया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम मास नंबर कहते हैं। इन दोनों को ही मास नंबर में इसलिए लिया गया क्योंकि भैया दोनों की वजह से ही एटम का लगभग सारा मास होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी प्रकार का कोई मास नहीं होता, इसलिए हमने इसको मास नंबर में नहीं रखा। न्यूक्लियर मास क्या होता है भैया, तो इन मास, ये मास नंबर को अगर एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मास, यानी न्यूक्लियस का कुल मास क्या कहलाता है भैया। इसमें मास नंबर की बात नहीं की जा रही, हम केवल मास की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है भैया। न्यूक्लिड, तो भैया खैर न्यूक्लिड वगैरह कुछ नहीं है, ये वही है ऊपर वाली चीज, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करना, जैसे आपको लिखवाता नहीं था, जैसे मैं बता रहा हूँ क्लोरीन 1739, तो इस तरह से लिखने को हम न्यूक्लिड कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आइसोटॉप्स क्या था, तो आपको याद होगा भैया आइसोटॉप्स क्या होता है भैया, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है। फिर मैंने बताया था भैया आइसोबार, आइसोबार इनका एटॉमिक मास सेम रहता है लेकिन नंबर क्या होता है भैया, डिफरेंट रहता है, ठीक है भैया। आइसोटोन, जिसके ऊपर सेम प्रोटॉन की संख्या हो, ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं भैया, आइसोटोन कहते हैं। फोन रख दे वरना रैपटा मार दो खींच के। आइसोटोन जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है भैया, समान रहती है, ठीक है भैया। उसके बाद फिर एटॉमिक मास पे आए थे, तो मैंने एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए आइसोबार जो था, ठीक है, आइसोबार का कोई क्लू ही नहीं मिल रहा, अलग केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ और चल रहा है, ठीक है। खैर चलो, हम बात करें भैया एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास क्या था भैया, तो मैंने बताया था 1.67, हाँ 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ये क्या भैया, एक एटॉमिक मास है। ये कैसे आता है, तो 1/12 C 12 कार्बन एटम के मास के बराबर होता है, ठीक है भैया। फिर मैंने AMU बताया था, तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, ठीक है भैया, सबका लिखवाया था। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक यूनिफाइड मास बराबर में 931.15 MeV एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक यूनिफाइड मास, समझ गया। पॉइंट पांच, पॉइंट फाइव, पॉइंट पांच अलग होते हैं क्या, नहीं 15 बोला था, सॉरी। अब जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत ज्यादा खासम खास और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। लिखिए भैया न्यूक्लियर साइज, लिखिए न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइट। देखिए भैया आपको बता दूं, किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक मास नंबर पे। किसके पे डिपेंड करता है, उसके अंदर जितने एटॉमिक मास नंबर रहेंगे उतना ही क्या होगा, उसका ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं भैया बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिएगा इधर, पहले समझिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय ऑब्जर्वेशन जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज डायरेक्टली इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, किस पर डिपेंड करता है भैया, एटॉमिक मास नंबर, यानी उसके अंदर जितने मास नंबर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम भी न्यूक्लियस का क्या होगा, उतना ही होगा। अच्छा न्यूक्लियस कैसी होती है, तो हमने मान रखा है भैया स्पेरिकल होती है, क्या होती है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है भैया, 4/3 πr³। ये आर क्या है, तो उस न्यूक्लियस की रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है भैया, जो रेडियस है और जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस है।
इज डायरेक्टली इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए भैया, यहां पर ये आपको पता है ये पूरी टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी ना करते हुए हमने लिख दिया आर क्यू इज डायरेक्टली इक्वल टू ए। ठीक है, ये लिख दिया, और उसके बाद यहां पर हमने लिख दिया R is directly equal to A की पावर 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं है, जब तीन उधर जाएगा तो 1/3 में जाएगा, और जब इस proportionality sign को हटाऊंगा तो यहां पर एक constant आता है R equals to में R not A की पावर 1/3, यहां पर ये जो R not है 1.2 फर्मी के बराबर है। ठीक है, 1.2 फर्मी का मतलब क्या भैया, 1.2 × 10^-15 मीटर है भैया यहां पर इसकी वैल्यू है, समझ गया। तो भैया ध्यान रखना, बहुत ज्यादा खासम खास फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, एक तीन नंबर, एक से लेकर तीन नंबर के क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे आते हैं इससे। ठीक है भैया, क्या कह रहा है, एक ही भाई, हाँ अरे वो जानबूझ के लिख दिया, अटेंशन चेक कर रहा था मैं, लिखिए भाई दिव्या, अगर मैं किसी की भी भाई प्लीज ये आ रहा है, दिव्या अगर मैं किसी की भी डेंसिटी की बात करूं तो क्या होता है भैया, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ये तो लिखिए ना, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहां पर क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है भैया, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा भैया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होगा। ठीक है भैया, अच्छा मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो एक बात बता दो भैया, एम क्या है, मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। ठीक है भैया, एक न्यूक्लियॉन का मास क्या है भैया, एम है, मतलब भैया प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को मैं सेम लेके चल रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं मास ऑफ प्रोटोन बराबर में मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर में एम, दोनों का मास क्या है भैया, सेम है, तो एक न्यूक्लियन का मास क्या हो गया, एम हो गया, नंबर एक क्या है भैया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का जो कुल नंबर है वो कितना है, ए, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा भैया, एम इंटू में, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक न्यूक्लियन का मास यानी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास क्या है भैया, इधर देख लो ए, एम है, उनकी संख्या क्या है, ए है, तो कुल मास कितना हो जाएगा, एम इंटू में, अच्छा वॉल्यूम क्या होगा, नीचे वॉल्यूम भी तो है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा भैया, 4/3 πr³, अच्छा 4/3 π, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक है भैया, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 π आर नॉट क्यू और ए हो गया, ये हो गया ना, क्योंकि इसका क्यूब होगा, इसका जब क्यूब होगा तो 3 × 3 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया अपना वॉल्यूम और ये हो गया अपना मास, तो डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास क्या है भैया, एम ए, और वॉल्यूम क्या है भैया, 4/3 π आर नॉट क्यू और क्या हुआ, ए से क्या हुआ, कट मर गए, तो हम देख रहे हैं भाई डेंसिटी में जितनी भी टर्म आई है वो सबकी सब क्या है भैया, कांस्टेंट है। क्या है, एक न्यूक्लियन का मास हमेशा 1.67 होता है, अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं, पाई बाय में 4/3 π, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, आर नॉट आपका ऑलरेडी मैंने बता दिया 1.2 फर्मी, ये भी कांस्टेंट है, तो जब इन सबको डाला जाता है, एम क्या है भैया, 1.67 इंटू 10^2 क्या हो गया भैया, -27 kg, और आर, ठीक है, और आर क्या है भैया आपका, 1.2 × 10^-15, जब इन सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर डाला तो हमारा भैया जो आंसर निकल रहा है 2.3 × 10^2 क्या है भैया, 17 kg/m³, ये आपकी डेंसिटी आई न्यूक्लियस की, और ये क्या होती है भैया, कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो चाहे मैं किसी भी न्यूक्लियस की बात करूं, चाहे छोटे न्यूक्लियस की बात करूं, चाहे बड़े न्यूक्लियस की बात करूं, चाहे हाइड्रोजन चाहे हीलियम, किसी की भी न्यूक्लियस की बात करूं, वो डेंसिटी आपकी क्या रहेगी, हमेशा एक जैसी ही रहेगी, कभी न्यूक्लियस डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी कभी बदलती नहीं है, ना तो किसी पर डिपेंड, ना तो ये मास नंबर पर डिपेंड करेगी या किसी दूसरे एलिमेंट के नंबर पर, समझ गया, कॉपी कर भाई।
कैलकुलेट दी रेशियो, कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एंड एंड सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर की रेडियस का रेशियो निकालिए। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का, नाइट्रोजन और उसका ही। ठीक है, अगला लिखिए एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर तीन, एक्सप्रेस 16 mg, एक्सप्रेस 16 mg इंटू इक्विवेलेंट एनर्जी एक्सप्रेस 16 mg मिलीग्राम है, इंटू इक्विवेलेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रोवोल्ट, इन इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, चलो ये करो, स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है, कह रहा भैया रेडियस का रेशियो निकालना है, तो R1 अपॉन में R2 कर दिया। R1 किसके लिए, पहला कौन है नाइट्रोजन, दूसरा, तो भैया क्या होगा R0, तो सेम रहेगा, एक ए क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर नाइट्रोजन कितना होता है 14 की पावर 1/3। ये R0, दूसरा कौन सा सल्फर, इसका होता है भैया 32 1/3, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गए, तो R1 अपॉन में R2 बराबर में क्या हो जाएगा आपका कितना आएगा 7/16 की पावर 1/3। ठीक है, आगे सॉल्व होगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। दूसरा कह रहा भैया इनकी डेंसिटी का रेशियो निकालिए, तो भैया बता दूं आपकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती का कोई सभी एलिमेंट, तो ये क्या 1:1 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा तीसरा भाई, ठीक है, कह रहा भैया 16 मिलीग्राम को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है MC², तो E=m कितना है 16 मिलीग्राम है, तो एक काम करो इतने ग्राम हो गया और ये क्या हो गया भैया किलोग्राम हो गया, क्या हो गया ये ग्राम हो गया और ये क्या हुआ किलोग्राम हो गया, और C क्या होता है 3×10⁸ डिवाइड बाय, ठीक है भैया इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालनी है तो 1.67×10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या आपका आंसर है। पर नहीं, वो यूनिफाइड मास के लिए, अब तुझे पता है AKMU क्या होता है, एक ग्राम थोड़ी ना होता है, तो केजी में कर दिया पहले कर सकते केजी को, अबे क्या जरूरत है मल्टीप्लाई कर दिया A1 AMU आ गया, फिर AMU को केजी के, केजी को AMU में कन्वर्ट करा, केजी को AMU में कन्वर्ट कर दिया, किससे कर दिया इससे मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ गया 10⁻¹। छोड़ करो भाई, ऐसा ओए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, लिखिए भैया प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन्स लिखिए, न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन बड़ा है, सबसे एटम के अंदर सबसे बड़ा पार्टिकल है, लेकिन सबसे लास्ट में खोजा गया, पता है क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, समझ गया। तो लिखिए भैया प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में लिखिए, पहला न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेकंड लिखिए, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज एंड इट मास, एंड इट्स मास, एंड इट्स मास इज स्लाइटली मोर देन, एंड इट्स मास स्लाइटली मोर देन, मोर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन, स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन। ब्रैकेट में लिख लो 1.6749 × 10^27 किलोग्राम। लिखिए, इनसाइड अ न्यूक्लियस, लिखिए इनसाइड अ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज स्टेबल, इनसाइड अ न्यूक्लियस कोमा अ न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट आउटसाइड, बट आउटसाइड अ न्यूक्लियस इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल। अगले आंसर लिखिए, अ फ्री न्यूट्रॉन्स स्पॉन्टेनियसली डिके, अ फ्री न्यूट्रॉन स्पॉन्ट, हाँ इसी में ही है, अ फ्री न्यूट्रॉन मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर हो उसे फ्री न्यूट्रॉन कह रहे हैं, अ फ्री न्यूट्रॉन स्पॉन्टेनियसली डिके इंटू अ प्रोटॉन, इंटू अ प्रोटॉन कोमा इलेक्ट्रॉन, इंटू अ प्रोटॉन कोमा इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रीनो, एंटी न्यूट्रीनो, एंटी न्यूट्रीनो एन ई, एंटी तो लिख रहे हो भाई, एन ई यू टी आर ओ एन न्यूट्रीनो, एन ई यू टी आर एन आर ओ एन ओ, अरे आगे ओ भी आएगा न्यूट्रिनो, एंटी सुन लो पहले इसके बारे में बता देता हूं भैया। देखिए दो तरह के न्यूट्रिनो होते हैं, ए भाई प्लीज, दो तरह के न्यूट्रिनो पार्टिकल होते हैं, ठीक है भैया, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं भाई प्लीज यार, जब किसी चीज का डिके होता है, जब किसी चीज कोई चीज डिके मतलब टूटना, जब कोई चीज टूटती है तो वहां से ये दोनों निकलते हैं, ठीक है, जब प्रोटॉन टूटता है तो आपका एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और जब सॉरी न्यूट्रिनो निकलता है, और जब आपका न्यूट्रॉन टूटता है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। दो तरह के पार्टिकल, एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जब निकलता है जब प्रोटॉन का डिके होता है, प्रोटॉन डिके होगा टूटेगा तो वहां से आपका न्यूट्रिनो निकलेगा, लेकिन जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो वहां से क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ये ध्यान रखना, अभी आप पढ़ोगे आके चेन रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पार्टिकल। ब्रैकेट में लिख दो न्यूट्रिनो के आगे, चार्जलेस एंड मासलेस, चार्जलेस एंड मासलेस, ये चार ना तो इनके ऊपर, हाँ न्यूट्रिनो के आगे इनके ऊपर ये पार्टिकल तो होते हैं लेकिन इनके पास ना तो चार्ज है ना ही मास है, चार्जलेस एंड मासलेस। ठीक है, देखिए ये न्यूट्रॉन था, इसका मतलब होता है इसके पास मास नंबर तो है लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये टूटा क्या बना भैया, टूटेगा तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक प्रोटॉन, और साथ में क्या बनेगा भैया आपका, एक एंटी, एंटी न्यूट्रिनो के आगे ऊपर डैश लगाते हैं, न्यूट्रिनो के ऊपर ना न्यू के ऊपर कुछ नहीं लगाते, ठीक है, तो ये बनती है आपकी रिएक्शन। मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो अकेला कभी नहीं रह सकता, हमेशा कहां रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर, बाहर रहेगा तो ये हाल हो जाएगा उसका।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। बोलो बेटा अगले लिखिए। लिखिए फोर्थ लिखिए, बींग न्यूट्रल कोमा दे डू नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स हैव लो आयोनाइजिंग पावर, सो न्यूट्रॉन हैव लो आयोनाइजिंग पावर। देखिए भैया आयोनाइज क्या करना, आयोनाइज मतलब क्या होता है, आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकाल देना, ठीक है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है भैया, चार्जलेस होता है, क्या होता है, तो जब इसे एटम की तरफ फायर किया जाता है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन ज्यादा ये कर नहीं पाता, तो सीधा सीधा ये निकल जाता है और इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को अगर छोड़ा जाएगा तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो वो जब आगे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके अपने साथ क्या हुआ, आगे निकाल लिया, यानी उसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसका जो चार्जलेस है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं करता, तो इसके लिए लीस्ट आयोनाइजिंग पावर। अगर तीनों पार्टिकल में देखा जाए तो सबसे कम आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, इसी की होती है, ठीक है। आगे लिखिए अगला पॉइंट है पांचवा, बींग न्यूट्रल कोमा न्यूट्रॉन्स आर नॉट रिपेल्ड और अट्रैक्टेड बींग न्यूट्रल कोमा न्यूट्रॉन्स आर नॉट रिपेल्ड और अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम तो दे हैव लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर पेनिट्रेटिंग लगा देना, ई नहीं आएगा, ई एन जी हो जाएगा। अब भाई रुक गया, तो अगर रुको, ये एक मिनट कहिए, मेरी आवाज, हाँ आवाज तो जा रही होगी, चल ठीक है, देखिए, हाँ छोड़ना, रिकॉर्डिंग भी